वेल सच ब्रो, तो मुझे लगा नहीं था राइट वाले एक नया एजेंट इतनी जल्दी लाएंगे, एंड दूसरी तरफ मैं हूँ जो कि वीडियो इतनी लेट ला रहा हूँ। पर तुम सब तो जानते हो कि मैं वीडियो लाने में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, एंड ट्राई करता हूँ कि सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट ला सकूँ। बट उन सबको एक साइड रखते हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपने इस गाइड की तरफ। अपनी नए एजेंट जिसका नाम है नियॉन, इसके पास टोटल है 4 एबिलिटीज, 2 होती है प्राइमरी, 1 होती है सिग्नेचर एंड 1 होती है अल्टीमेट। सो सबसे पहले बात करते हैं नियॉन की पहले एबिलिटी की जिसका नाम है नाइट गियर। सो नाइट गियर पे जैसे तुम अपने कीबोर्ड पे ई दबाते हो तभी नियॉन की स्पीड 35% तक तेज बढ़ जाती है दूसरे एजेंट से, एंड ये लाइक बहुत मस्त चीज होती है। इसमें तुम मस्त बिहॉप करके जा सकते हो एंड और भी बहुत कुछ कर सकते हो। बट अगर तुम नीचे देखोगे यहाँ पर तुम एक बार दिखेगा, ये एक रिचार्जेबल बार है, मतलब जब तुम इस एबिलिटी को यूज करते हो ई दबा के तभी एक बार धीरे करके कम होता रहेगा, एंड जैसे तुम इसको यूज कर लोगे या फिर तुम इसको यूज करना बंद कर दोगे वापस से ई दबा कर, तभी बार धीरे करके अपने आप ही बढ़ने लगेगा। सो इसको तुम हर बार बीच में यूज कर सकते हो, ये अपने आप ही रिचार्ज होती रहेगी। एंड नेक्स्ट चीज क्या है कि मान लो तुमने ई दबाया, नियॉन दौड़ने लग गई, अब हम इसको रोकना है। सो यहाँ पर इसको रोकने के लिए 3 तरीके हैं। पहले में क्या है कि सिंपली तुम ई दबा के इसको रोक सकते हो, एक नॉर्मल रुकना होता है। एंड दूसरा रोकने का क्या है कि तुम डायरेक्ट अपना 1, 2, 3 दबाओ या फिर स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन करो जिससे कि तुम गन में स्विच करते हो, एंड उससे क्या होगा कि वो बंद भी हो जाएगा प्लस हम अपना गन भी निकाल लोगे। सो एक अच्छी चीज है। एंड तीसरा तरीका होता है स्लाइड करना, एंड स्लाइड करने के लिए तुम्हें अपने माउस में राइट क्लिक करना होता है तो उससे नियॉन अपने आप ही स्लाइड करेगी। बट ध्यान रखना कि ये स्लाइड तुम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो, उसके बाद तुम्हें 2 किल करना पड़ेगा इसको रिचार्ज करने के लिए, जस्ट लाइक जेट की तरह। एंड पर्सनली अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें सेकंड वाला ऑप्शन बोलूंगा जिसमें तुम डायरेक्ट 1 या 2 दबाते हो, तो इससे क्या होता है कि तुम्हारे गन का जो एनिमेशन होता है निकलने का वो भी तुम्हारा स्किप हो जाता है एंड सीधा तुम गन निकाल सकते हो। एंड अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी जगह की जहाँ पर पहले जाना इम्पॉसिबल होता था बट अब नियॉन की वजह से पॉसिबल है। सो पहला हमारा आइस बॉक्स है इस जगह पर। सो ये चीज करने आम एजेंट के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट वहीं अगर नियॉन में तुम यहाँ से पीछे से स्लाइड करके आते हो एंड देन सीधा जंप करते हो तो तुम उससे एक तरह का हैवी जंप ले सकते हो एंड सीधा तुम वहाँ पर पहुंच जाओगे। एंड एक बार यहाँ पर चढ़ने के बाद तुम मस्त यहाँ से ऑफ शॉट मार सकते हो या फिर एक फ्री का किल भी ले सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। एंड दूसरा हमारा एसेंट पे जनरेटर पे चढ़ना, लाइक यहाँ चढ़ना पॉसिबल है बट नियॉन की वजह से अब तुम 100% कभी भी चढ़ पाओगे, लाइक कितने भी दूर से तुम आराम से चढ़ पाओगे। सो ये एक अच्छी चीज है। एंड जैसे तुम कोई भी मैप खेलोगे तुम अपना रियलाइज होगा कि जहाँ पर चढ़ना मुश्किल था अब वहाँ पर जाना बहुत ही ईजी हो चुका है एंड बहुत ही फास्टर भी हो चुका है। सो इस चीज को तुम जरूर से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है हमारा फास्टर रिपोजिशन लेना। सो मान लो तुम 1v1 फाइट ले रहे हो यहाँ पे, तभी तुम्हें हुका से एनिमी ने देख लिया है। सो आपको क्या सोचेगा कि या तो तुम सीटी हो गए या फिर तुम बैक साइड हो गए, बट उसको क्या पता तुम नियॉन हो, तो तुम बहुत ही तेजी से जाके सीधा एल्बो पे जा सकते हो और वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा। एंड इसी को बोलते हैं रिपोजिशन करना। तो इससे एनिमी बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि लाइक तुम कहीं से भी आ सकते हो क्योंकि तुम इतने ज्यादा तेज हो, तो इसको भी जरूर से ट्राई करना। नाउ बात करते हैं हम नियॉन के सेकंड एबिलिटी की जिसका नाम है रिले बोल्ट। एंड आई डोंट नो उसका नाम बोल्ट क्यों रखा, ये बेसिकली एक स्टन है। मींस अगर तुम यहाँ पर खड़े हो एंड तुमने दीवार पे देखते हुए क्यू दबाया तो वो एक मॉली टाइप का चीज शूट करता है एंड वो दीवार से एक बार ही सिर्फ बाउंस करेगा, 2 बार नहीं। एंड बाउंस करने के बाद वो जहां पर टकराता है उस जगह पर एक रेडियस पैदा हो जाएगा एंड वहां पर अगर कोई भी एनिमी होता है तो बंदा स्टन हो जाता है। एंड स्टन होने का क्या क्या फायदा है, पहला तो ऐसा अजीब सा मोशन होता है तो उसे शूट करना मुश्किल होता है एंड तुम्हारी एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा कम हो जाती है, प्लस तुम्हारे बुलेट्स भी काफी ज्यादा स्लो डाउन हो जाते हैं। एंड मैं तुम्हें इसकी काफी कूल टिप बताऊं तो तुम क्या कर सकते हो, लाइक मान लो अगर एनिमी पुश कर रहे साइड की तरफ तो तुम साइड को छोड़ दो एंड जैसे तुम्हें प्लांट की आवाज आती है तभी तुम अपना स्टन ऐसा छोड़ो कि सीधा प्लांट वाले के बंदे के पास जाए। लाइक तुम एग्जांपल में यहाँ पर देख सकते हो कैसे मैंने इसको डायरेक्ट छोड़ा एंड उसको मार दिया, तो ये काफी अच्छी चीज होती है लेकिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है, प्लस उसके पास गन भी नहीं होता, वो सीधा प्लांट ही दे रहा होता है, तो तुम उसको उस टाइम पे मार सकते हो काफी इजीली। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज जो कि तुम बहुत बार फेस करने वाले हो एंड मैं तुम्हें अभी से वार्न करना चाहता हूँ कि इसका बाउंस बैक एक्चुअली में थोड़ा सा बेकार है। लाइक बहुत टाइम क्या होता है तुम अपने आप को इसे स्टन कर जाते हो एंड वो फिर बहुत गलत चीज हो जाती है। लाइक तुम्हें हमेशा कैलकुलेट करना है कि जब यहाँ से टकराएगा तो कहीं मेरे को तो ना पड़ जाए, सो इस चीज का हमेशा ध्यान में रखते हो तुम, केयरफुली इस चीज को यूज करना। नाउ बात करते हैं अपने थर्ड एबिलिटी की जिसका नाम है फास्ट लेन। ये बेसिकली एक फिनिक्स की वॉल है, जैसे तुम फिनिक्स में देखते हो ना ये रेड वाली वॉल, सेम उसी चीज का ब्लू वाली वॉल है, बट इसमें तुम हील नहीं कर सकते जैसे फिनिक्स कर सकता है। एंड ऑल्सो अगर तुम फिनिक्स की वॉल को राइट क्लिक करके होल्ड करके रखते हो एंड तब तुम अपना माउस हिलाते हो तब वो पूरा एक कर्व डायरेक्शन में जा भी सकता है एंड सैडली वो इस वाले में नहीं जा सकता, तुम स्ट्रेट ही वॉल शूट कर सकते हो। एंड इसका मैं सबसे बड़ी टिप तुम्हें पहले देना चाहता हूँ कि तुम जब भी तुम अपने टीममेट के साथ पुश करते हो तो तुम कभी भी वॉल मत करना, बिकॉज क्या होता है कि टीम डैमेज काफी ज्यादा देता है। लाइक जब भी मैं इसे बस गुजरता हूँ ना मेरे को 10 डैमेज ऐसे पड़ जाता है एंड अटैकिंग में बंदा जब भी रश करके जाएंगे तो सबको ही डैमेज पड़ेगा, सो प्लीज तुम अपनी वॉल अटैकिंग में मत करना। एंड सेकंड चीज क्या है कि ये पूरे 6 सेकंड तक रहता है, सो इसको भी ध्यान में रखते हो तुम क्या कर सकते हो। लाइक तुम्हें पहले छोड़ा देन तुम एक एंगल पे खड़े हो जाओ एंड बस 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके गिनो एंड जैसे वॉल गिरता है तभी तुम बंदे को शूट कर सकते हो। जस्ट लाइक वाइपर में क्या होता है, वाइपर में ना स्मोक डालते हैं एंड देन थोड़ी देर बाद उसको उठा लेते हैं एंड देन रेडी हो जाते हैं शूट करने के लिए, तो तुम सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट स्टेप में तुम अपने टीममेट्स को बोल सकते हो लाइक रैना और फिनिक्स हो गया कि जैसे मैं वॉल करता हूँ उसके बाद तुम अपना फ्लैश या फिर लियर यूज करो, तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड फ्लैश एनिमी को दे देता है एंड जल्दी से तुम पीक करके उसको मार सकते हो, तो ये भी काफी अच्छी चीज होती है। बस यहाँ पर तुम
ध्यान रखना कि तुम अपने टीममेट के साथ कोऑर्डिनेशन करो, लाइक उनसे बात करते रहो, तभी वो तुम्हारी बात मानने वाले हैं। अब इस वाली टिप में तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। सो मान लो तुम्हारे सामने एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड अगर तुम अपने क्रॉसर को उस ऑब्जेक्ट पे रखते हो एंड तब वॉल करते हो, तब वो उधर ही तक ही सिर्फ जाएगा। बट वहीं अगर तुम इसको ऊपर फेस करोगे तब वो उसके थ्रू जाएगा। सो इसे तुम्हें ये सीखना चाहिए कि तुम्हें हमेशा ऊपर देखते हुए वॉल करना चाहिए जब भी तुम वॉल करो, ताकि सामने कुछ भी आए तो उसके थ्रू सीधा निकल जाए। एंड जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर तुम इसको एक स्पीड स्लाइड वाली कंबाइन करते हो राइट क्लिक दबा के, तब ये बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि तुम सीधा निकलोगे एंड तभी तुम गन से एनिमी को मार देते हो, तो वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। तो इस चीज को जरूर से तुम ट्राई करना। ये कॉस्ट करता है 300 credits एंड इसको हम एक गेम में एक बार ले सकते हैं। नाउ बात करते हैं अल्टीमेट एबिलिटी की, जिसका नाम है ओवर ड्राइव। सो जब तुम एक्स दबाते हो तब एक लेजर बीम छोड़ने लगता है, लाइक लेफ्ट क्लिक जब तुम होल्ड करते हो तब। एंड आई थिंक राइट वाले ने जानबूझ के इसको आरएनजी बनाया है, लाइक तुम इसको रन एंड गन कर सकते हो, अनलाइक वेंडर और फैंटम जिसको खड़े होकर मारना पड़ता है। तुम इसमें मस्त दौड़ दौड़ के एनिमी को मार सकते हो एंड उसको पूरा डैमेज पड़ने वाला है। और हाँ, डैमेज की बात करें तो अराउंड 12 डैमेज पर सेकंड देता है। एंड अगर इसकी टिप्स की बात करें तो मैं पहली टिप जरूर से यही दूंगा कि तुम इसको पहले यूज मत करो, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन भी होती है, लाइक जो बार तुम्हें दिख रहा है तभी तुम इसको एक्टिवेट करते हो तब वो बार डिप्लीट होने लगता है, मतलब कम होने लगता है। सो कभी भी इसको राउंड स्टार्ट होते मत लेना, सिर्फ तभी लो जब तुम्हें पता हो कि हाँ तुम बस लड़ने वाले हो कुछ सेकंड्स में। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। सो जब तुम अपने अल्टीमेट से किसी को भी मारते हो तब तुम्हारा वो बार होता है ना, वो 1/4 रिचार्ज हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि लाइक वो एकदम खत्म ही नहीं हो जाएगा, तुम जैसे इसको मारोगे तुम्हारा थोड़ा सा बार बढ़ जाएगा। एंड सेकंडली तुम याद रखना, एक मशीन गन है, लाइक ये छोड़ता है तो बहुत सारी बुलेट है, पर इसको रिचार्ज करने के लिए एक थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक इसका एक कूल डाउन टाइम होता है। सो कूल डाउन के लिए एनिमेशन भी बना रखा है वैलोरेंट वालों ने। सो कूल डाउन के लिए तुम अगर नोटिस करोगे नियॉन एक ऐसा एनिमेशन करती है, इसका मतलब ये होता है कि वो एक तरह का कूल डाउन में है, तो तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है उसको रिचार्ज होने के लिए। एंड ये एक अल्टीमेट एबिलिटी है, तो एक कॉस्ट करता है 7 ultimate points। एंड या यही था इस वीडियो के लिए। एंड अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखे तो कमेंट में जरूर लिखना नियॉन वुमेन ओपी, लाइक नियॉन मैन नहीं, नियॉन वुमेन लिखना, ज्यादा फनी लगेगा। सो नियॉन मैन ओपी लिखो, तभी मैं समझ पाऊंगा कि हाँ कुछ लोग हैं जो कि यहाँ तक भी देखते हैं। सो या टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।